स्वागत है आपका गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं, जहां नोएडा में गिरफ्तार अपराधी का राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है। गिरफ्तारी के बाद गजेंद्र सिंह का फोटो वायरल हो रहा है। इस वायरल फोटो में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ वो दिखाई दे रहा है। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ भी उसकी तस्वीर है। दो मामलों में वॉन्टेड गजेंद्र सिंह को एसटीएफ ने पकड़ा है। डी कंपनी के कुख्यात अबू सलीम का साथी है गजेंद्र सिंह। ये तस्वीर देखिए आप, एक तरफ स्वतंत्र देव के साथ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये फोटोज वायरल हुए हैं, जो एसटीएफ ने हाल ही में पकड़ा है और डी कंपनी का कुख्यात जो अबू सलेम है उसका साथी बताया जा रहा है गजेंद्र सिंह। यूपी एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया। और दूसरी तरफ देखिए किस तरह बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों, पदाधिकारियों और यहां तक कि डिप्टी सीएम के साथ भी उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ भी उसका ये जो फोटो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। गजेंद्र पर लोगों से वसूली का आरोप था, ये लोगों से वसूली करता था, अबू सलेम खान मुबारक के पैसे प्रॉपर्टी में लगवाता था। दो मामलों में ये वांछित भी चल रहा था और आज उसको एसटीएफ ने पकड़ लिया है। डी कंपनी का कुख्यात अबू सलेम उसका साथी है ये गजेंद्र सिंह, जिसे नोएडा से यूपीएसटीएफ ने पकड़ा है। बीती रात नोएडा एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अगर बात करें तो नोएडा एसटीएफ ने बीती रात अबू सलेम के काफ़ी करीबी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसे नोएडा सेक्टर 20 के कोतवाली लाया गया है, जहां पे उससे यहां पे पूछताछ चल रही है। अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किन लोगों के लिए काम करता था और किस तरीके से वो नोएडा के अंदर काम करता था, इसको लेकर यहाँ पूछताछ चल रही है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये है कि सेक्टर 20 के इसी कोतवाली में गजेंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, इसके अलावा 420 के तहत भी मुकदमा दर्ज है और इसी मुकदमे के सिलसिले में भी उससे पूछताछ चल रही है। जो उस पर आरोप हैं, उस पर आरोप ये हैं कि तमाम तरीके से लोगों से उगाही करता था, इसके अलावा फिरौती तक की रकम लेता था और उसको कई जगह पर ठिकाने पर लगाता था। इसी को लेकर एसटीएफ की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल उसे सेक्टर 20 के इसी कोतवाली में रखा गया है, जहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है। इसी कोतवाली में उसके खिलाफ दो मुकदमे भी दर्ज हैं, धारा 307 और 420 के तहत उसके ऊपर यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस इन तमाम सारी चीज़ों पर उससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा उसकी जो भी कड़ियां हैं उसको खंगाल रहे कि आखिर वो किन लोगों के लिए यहां पे काम करता था। कर्षण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। तो हमने आपको बताया किस तरह गजेंद्र सिंह गिरफ्त में आया है एसटीएफ के, नोएडा से वो पकड़ा गया है और कैसे ये अबू सलेम के लिए वसूली करता था, रंगदारी मांगता था और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कराता था। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वसूली डी कंपनी का वांछित यह अपराधी गजेंद्र सिंह, जो कि अब एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुका है, उसकी तस्वीरें देखिए किन किन के साथ वायरल हो रही हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, फोटोज वायरल हो रहे हैं इसके, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहां तक कि डिप्टी सीएम के साथ भी, क्या कोई राजनीतिक कनेक्शन भी इसका नजर आ रहा है, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि किस तरीके से राजनीति में धन और बल की जरूरत पड़ती है, यानी मनी और मसल की, और शायद यही वजह है कि इस तरीके के लोगों को सभी पार्टियों की जरूरत पड़ती है। अभी इससे पहले हमने विकास दुबे के पूरे मामले में देखा कि किस तरीके से उसको पूरा राजनीतिक संरक्षण था और इसी वजह से वो उसका कभी नाम नहीं आया टॉप 10 की लिस्ट में। और अब आप ये देखिए गजेंद्र सिंह, ये जो अबू सलेम यानी इतना बड़ा जो डॉन है, माफिया है, जिस पर मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोप है, वो है, इसके अलावा खान मुबारक उसका ये खास गुर्गा है, ये लोगों से अवैध वसूली करता है, डराता धमकाता है, और उनके साथ किसकी फोटो आ रही है? उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। और बीजेपी हमेशा क्या कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस, सुचिता की बात करती है, और ऐसे लोगों के साथ अगर फोटो वायरल हो रही है और जिस तरीके से बैठे हुए हैं साथ में, यानी कोई फैमिली फंक्शन लग रहा है गजेंद्र सिंह के यहाँ, जहाँ दोनों पहुंचे हुए हैं, तो जब आप ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, तो आपके पार्टी के रिसोर्स क्या है ये नहीं बताते कि ऐसे व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं जिस पर इतने बड़े बड़े आरोप है, जो ऐसे गैंगस्टर के साथ रहता है, ऐसे माफियाओं का जिसको साथ है? अब सवाल तो उठेंगे ही।
जी हाँ बिल्कुल अनुभव, सवाल तो उठेंगे ही क्योंकि एक गैंगस्टर, उसका साथी जो खुद दो मामलों में वांटेड है और अब वो एसटीएफ की गिरफ्त में है, तस्वीरें जिनके साथ वायरल हो रही हैं वो कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है, एक सूबे के डिप्टी सीएम है तो दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। शुक्रिया अनुभव। बलराम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। बलराम, विस्तार से हमें बताइएगा आखिर एसटीएफ को कैसे खबर मिली और किस तरह जाल बिछाकर इसे नोएडा से पकड़ा गया। देखिए आस्था, गजेंद्र की तलाश एसटीएफ को काफ़ी दिनों से थी और यही वजह है कि जो उसका मुखबिर तंत्र था वो लगातार एक्टिव था, लेकिन देर रात मुखबिर की सूचना मिली एसटीएफ को कि जो गजेंद्र है वो नोएडा में दाखिल हो गया है और उसका मूवमेंट है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। यही वजह है कि जो नोएडा एसटीएफ थी वो एक्टिव हुई और उसने सेक्टर 20 थाने में मुठभेड़ के बाद गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। गजेंद्र सिंह वही शख्स है जिसने 2014 में दिल्ली के एक कारोबारी से 1,80,00,000 रुपए की ज़मीन दिलाने के नाम पर ठगी की थी और साथ ही जब उसने पैसे लेने का दबाव बनाया तो उसके ऊपर फायरिंग कराई। तो कहीं ना कहीं तभी से ही एसटीएफ को इस गजेंद्र की तलाश थी और लगातार वो दबिश दे रही थी और स्वतंत्र जो उसका है उसको एक्टिव कर रखा था कि ताकि जल्द से जल्द जो गजेंद्र है वो उसकी गिरफ्त में आए। लेकिन कल मुखबिर की सटीक सूचना पर जो एसटीएफ है उसने काम किया और उसको ये बड़ी सफलता मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गजेंद्र है उसकी गिरफ्तारी से ये साबित हुआ जो पूछताछ में अब तक निकल के आया है एसटीएफ के कि ये अबू सलीम के जो पैसे था उसको भी एनसीआर में लगा रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था और साथ ही लोगों से ठगी का भी कारोबार कर रहा था और जो लोग इस पर पैसे लेने का दबाव बनाते थे उनको ये हवाला देता था कि मैं अबू सलीम के साथ का रहने वाला हूँ, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, बैकअप बहुत अच्छा है। और यही वजह है कि आपने देखा कि जब दिल्ली के कारोबारी ने इससे पैसे लेने का दबाव बनाया, प्रशासन के पास गए, एफआईआर दर्ज कराई तो इसने उनके ऊपर जानलेवा हमला भी कराया। तो कहीं ना कहीं जो ये ठगी का कारोबार है वो भी यहाँ पर ये फल फूल रहा था इसी के जरिए अबू सलेम का, और साथ ही जो पैसा है उसका भी इन्वेस्टमेंट यहाँ एनसीआर में वो बड़े पैमाने पर कर रहा था। तो यानी दो तरीके से काम कर रहा था, एक तो लोगों से ठगी का भी कारोबार हो रहा था और इसके अलावा जो अबू सलेम का जो पैसा था उसको भी यहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा था। जी शुक्रिया बलराम अहम अपडेट के लिए। तो बहुत बड़ी बात आप यहां पर बता रहे हैं कि ना सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर रहा था और ये पूरा खेल किस तरीके से चल रहा था। आखिरकार एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया गजेंद्र सिंह। और अब एक और बड़ी खबर आजमगढ़ से इस बीच आ रही है, चुनावी रंजिश को लेकर गोली चलने की खबर है यहां से और गोली लगने से राघवेंद्र सिंह घायल हुए हैं। राघवेंद्र को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। पवई थाना क्षेत्र के बलईपुर गांव का यह मामला है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तो आजमगढ़ में गोली चलने की खबर है, राघवेंद्र सिंह को गोली लगी है और उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। चुनावी रंजिश को लेकर यह फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के कारण इस तरह की फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया जिसमें एक युवक घायल हो गया है। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आज भदोही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। असल में सोनभद्र के उंभा गांव में नरसंहार कांड की आज बरसी है जिसके लिए अजय लल्लू श्रद्धांजलि देने उंभा गांव जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही भदोही में प्रशासन ने अजय कुमार लल्लू को रोक लिया। इस दौरान पुलिस वालों से उनकी तीखी नोकझोंक हुई, बाद में प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल सोनभद्र के उंभा गांव को सील कर दिया गया है और प्रशासन अलर्ट पर है। मतलब हम एक पूरी संवैधानिक तरीके से चार पांच लोग, मात्र तीन लोग, चार लोग भी नहीं जा रहे हैं और आप रास्ते में रोक रहे हैं इतनी फोर्स के साथ। भाई हम किसी के दुख में नहीं जा सकते, राजनीतिक पार्टी हम विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं किसी के दुख में नहीं शामिल हो सकता, मैं तो फूल नहीं दे सकता है। ये गलत है साहब, ये गलत है। आप आखिर कारण क्या है हमको रोकने के पीछे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तर्क समझा दीजिए, बता दें हमको। हम तो एकदम शांति से प्रेम से जा रहे हैं, श्रद्धांजलि सुमन कर रहे हैं जिनका पिछले साल नरसंहार हुआ था। तो क्या हमारी व्यक्ति की आजादी नहीं है? हमें संविधान ने अधिकार नहीं दिया है हम नहीं जा सकते? मतलब हम एक पूरी संवैधानिक तरीके से चार पांच लोग, मात्र तीन लोग,
चार लोग भी हैं जा रहे हैं और आप रास्ते में रोक रहे हैं इतनी फोर्स के साथ। मुझे लगता है कि जितनी फोर्स मुझे रोकने में यहाँ लगाई गई थी, अगर शायद यह फोर्स अपराध को रोकने में लगाई जाती, अपराधियों को पकड़ने में लगाई जाती, उन तमाम वांछित लोगों को जो लोग लगातार अपराध का जनक बने हुए हैं, तो मुझे लगता कि शायद प्रदेश सुरक्षित रहता। ये सरकार तो राजनीतिक लोगों को चुन चुन कर, गिन गिन कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जेल भेज रही है। एक महीना मुझे रखा, मेरे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को रखा, मेरे एक NSY के साथी को रखा, और आज फिर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहा हूँ आदिवासी भाई बहनों का जो पिछले साल अपने हक हकूक और अधिकार की लड़ाई में शहीद हुए थे। ये सरकार हमें भी रोक देने का काम कर रही है। निश्चित रूप से ये सरकार दमन की राजनीति पर विश्वास करती है, राजतंत्र को कायम करना चाहती है, लोकतंत्र पर इस सरकार को कभी कहीं कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं, दबने वाली नहीं, हम मजबूती के साथ आदिवासी भाई बहनों की आवाज को उठाते रहेंगे, कानून व्यवस्था के सवाल पर इस सरकार को घेरते रहेंगे। उधर वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को सोनभद्र के उम्बा जाने से पहले भदोही में रोके जाने से नाराज होकर अदल हाट टोल प्लाजा पर समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और वहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि अजय कुमार लल्लू जो जा रहे थे मिलने के लिए पीड़ित परिवारों से, उनको रोका गया। किस तरह वो पुलिस से कह रहे थे कि हम शांति से फूल अर्पित करने जा रहे हैं, श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। तो उसी का विरोध देखिए पूर्व विधायक अजय राय ने जताया। वो अपने समर्थकों के साथ टोल रोड पर बैठ गए और उन्होंने सरकार के विरोध में नारे लगाए। देवेंद्र सिंह उधर प्रतापगढ़ में पुलिस पर हमला और पथराव हुआ है। पुलिस ने 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, गांव छोड़कर फरार है ज्यादातर हमलावर। खबर यह आ रही है 28 लोगों को नामजद किया गया है, 25 से ज्यादा अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है और हत्या के प्रयास समेत संगीन धाराओं में FIR दर्ज हुई है। बीते बुधवार की देर शाम पुलिस पर यह पथराव हुआ था। दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। एक पक्ष ने पुलिस पर हमला बोला, पथराव किया और 3 पुलिसकर्मी हमले में घायल हो गए। संग्रामगढ़ थाना इलाके के भवदासपुर गांव का यह मामला है। 28 लोगों को नामजद किया गया है और 24 से ज्यादा पर अज्ञात लोगों पर FIR हुई है। प्रतापगढ़ में पुलिस पर हमले की खबर है। पुलिस ने 11 उपद्रवियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, 28 लोगों को नामजद किया गया है। ज्यादातर हमलावर बताया जा रहा है कि गांव छोड़कर फरार हैं। तो पुलिस के साथ टकराव हुआ और उसके बाद यह घटना घटी है। अगली अहम खबर कानपुर से आ रही है, जहां बिकरू कांड के 3 और नए ऑडियो वायरल हो रहे हैं। एक के बाद एक 3 नए ऑडियो वायरल होने से हड़कंप है। शशिकांत की पत्नी मनु पांडे के सभी ऑडियोज में आवाज है। ऑडियो में शशिकांत की पत्नी मनु ने कई तरह के खुलासे किए हैं। हम आपको एक एक करके तीनों वायरल ऑडियो सुनाते हैं और आपको बता दें कि ABP गंगा इन ऑडियोज की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये ऑडियोज वायरल है और बताया जा रहा है कि शशिकांत की पत्नी इसमें बहुत कुछ कह रही है। हेलो, हाँ बहुआ, भैया कर रहे थे फोन, हमें लग रहा है अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। सुनो ये, हाँ तुम कहाँ हो? आंटी सती जी बैठे, तभी तो आंटी जी बैठे थे। हाँ हाँ वही है, ठीक है वही कर रहे थे फोन। ठीक है, वो कहाँ पर? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है। हेलो, हाँ बहुआ, भैया कर रहे थे फोन, हमें लग रहा है अपना ले गए कि नहीं ले गए प्रभात की छत। हाँ ये कह रहे भैया से बात कर लो, बोला वो कह रहे हमसे बात कर ले। किनते दिखा भैया से? हेलो, हाँ ये कह रहे विकास कह रहे हमसे बात कर ले, सोंग कह दे ड्यूटी में अगर हो तो बताए। अच्छा अबे अबे, हाँ बिल्कुल अभी फोन आया है। अच्छा बात कर रहे, बात कर ले, बात कर रहे। हाँ बाबा, हेलो। हाँ बाबा, हाँ ये कह रहे। हेलो हेलो, हाँ कहाँ है पापा?
अरे पापा जल्दी आओ। अरे विकास जी आए थे, इनसे बोल दिया है कि छत पे चढ़ो गोली चलाओ। तो ये वो ऑडियोज हैं जो आज वायरल हो रहे हैं। तीन नए ऑडियो हैं, कल भी दो ऑडियो सामने आए थे और शशिकांत की पत्नी है। एक से तो ये भी कहा जा रहा था कि विकास दुबे की पत्नी से वो बात करती हुई और उसके भाई से बात करती हुई वो सुनाई दे रही है, और आज भी ये तीन नए ऑडियो सामने आए हैं जहां शशिकांत के पिता, उसकी पत्नी और खुद शशिकांत के बीच की ये बातचीत बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन पर यूजीसी का बयान सामने आया है। परीक्षा के संचालन की स्थिति को सूचित करने के लिए विश्वविद्यालयों से संपर्क किया गया है। 640 विश्वविद्यालयों से प्रतिक्रिया मिली है, इनमें से 454 ने या तो परीक्षा आयोजित की है या आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। 177 विश्वविद्यालयों को परीक्षा के संचालन के बारे में फैसला करना बाकी है, ये कहा है यूजीसी ने। 27 निजी यूनिवर्सिटीज के मामले में जो 2019-20 के दौरान आज तक स्थापित किए गए, पहला बैच अभी तक अंतिम परीक्षा के लिए पात्र नहीं है, ये बातें यूजीसी ने कही है। वहीं बाराबंकी के जिला महिला अस्पताल से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही स्वास्थ्य कर्मचारी मास्क लगाकर घूमते दिख रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी के चलते पहले से ही यहां परेशानी बढ़ी है और साथ साथ अस्पताल परिसर में गंदगी काफी है, हर तरफ अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी भी मास्क पहनकर यहां पर नहीं घूमते हैं। जिला महिला अस्पताल की हालत है जो काफी भयावह है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, तो अब आप देख लीजिए कि कोरोना काल में कितनी लापरवाही यहां पर बरती जा रही है। खुद स्वास्थ्य कर्मचारी तक मास्क पहने हुए नजर नहीं आते। उधर कानपुर के अपहरण कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एबीपी गंगा की खबर पर थाना प्रभारी नब गए हैं। लापरवाही में बर्रा थाना प्रभारी रणजीत निलंबित कर दिए गए हैं। अपहरण कांड में फेल रहे सर्विलांस प्रभारी को अब जिम्मा दिया गया है। अब हरमीत सिंह को बर्रा थाने का चार्ज मिला है। तो बड़ी खबर कानपुर के अपहरण कांड पर, यह बड़ी खबर है। कानपुर में जो एक युवक का अपहरण हुआ है, 30 लाख रुपए फिरौती से जुड़ा जो पूरा ये मामला सामने आया है। परिवार वालों ने बड़े आरोप लगाए हैं पुलिसिया कार्रवाई को लेकर। एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब थाना प्रभारी नब गए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर मेरठ में पुलिस ने एक कुख्यात को ढेर कर दिया है। 50,000 के इनामी बदमाश दीपक उर्फ सिद्धू को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस बदमाश पर लूट, हत्या, डकैती जैसे 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ये जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल था। इस मुठभेड़ के बीच इसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन हो रहे हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे।